अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास एक पावर सप्लाई है और ये पावर सप्लाई स्पेशली डीसी लोड चलाने के लिए बनाया गया है और ये बिल्कुल 0 मीटर पावर सप्लाई यानी किसी कंप्यूटर वगैरह से निकली हुई नहीं है बल्कि इसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देखें, स्क्रू मैंने यहाँ से खोला अभी और ये इस तरह से पीछे की तरफ चला जाता है। इसमें एक अदद फैन भी लगा हुआ है जो कि ऊपर के साइड पे है और यहाँ पे आप इसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं। तो इसके ज़रिए आम तौर पे डीसी मोटर चलाने का काम लिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास डंकी पंप है जिसमें डीसी मोटर लगी हुई है और यहाँ पे हमने क्या किया है ये देखें दोस्तों, यहाँ पे टर्मिनल बने हुए हैं, 3 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं और 2 जो है वो न्यूट्रल फेस हैं और 1 अर्थिंग का है। तो अर्थिंग वाला हमारा काम करिए। यहाँ पे हमें सप्लाई की लाइन देनी होती है 220 की, तो यहाँ पे हमने एक वायर दे दिया है। ये देखें, ये टेप लीड की एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। आप यहाँ पे 329 की वायर भी लगा सकते हैं या इसके अलावा कोई दूसरी तार भी लगा सकते हैं। डीसी लोड के लिए क्योंकि हमें मोटर चलानी है तो यहाँ पे हमने 729 की वायर यहाँ पे लगा दी है आरजी तौर पे। यहाँ पे हमने एक वायर प्लस में दे दिया है, 1 नेगेटिव में दे दिया है। यहाँ पे ये मेल फीमेल प्लग का ये फ़ायदा है कि जब हम चाहें तो इस सप्लाई को उठा के हम रख देंगे और जब हमें मोटर चलाना होगा तो उस वक्त हम लगा लेंगे। ये आसानी से निकल जाता है और लग जाता है। हम इस तरह से सप्लाई को बिल्कुल अलग करके घर पे रख देंगे और जब हमें चलाना हो तो हम इसे इस तरह से लगा के इसके ज़रिए काम ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस सप्लाई के प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त ये 33 एम्पेयर 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो 2900 रुपये की है यानी 2900 रुपये की है। यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ, वैसे इसके वोल्ट जो है वो 13.5 13.7 ये इसके वोल्ट होते हैं यानी 14 वोल्ट के करीब हैं। दोस्तों इस सप्लाई के जरिए आप अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये स्पेशली डीसी लोड चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इससे आप डीसी लोड अच्छी तरह से चला सकते हैं। 30 एम्पेयर तक का डीसी लोड आप आराम से इसके ज़रिए चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस मोटर को चला के आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस मोटर को ऑन कर दिया है और इसके एम्पेयर आप देख सकते हैं, एम्पेयर चेक करते हैं। ये देखें, ये मोटर जो है 8 से 9 एम्पेयर ले रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड भी थोड़ी तेज़ है। तो सप्लाई में क्योंकि वोल्ट ज़्यादा है, ऐसे आमतौर पे इसे 12 वोल्ट मिलते हैं, सप्लाई के ज़रिए इसे 13.5 वोल्ट मिल रहे हैं, इस वजह से नॉर्मल स्पीड से इसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है और एम्पेयर भी थोड़े से यहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 7, 8, 9 एम्पेयर ये मोटर इस वक्त ले रही है। अब हम इस सप्लाई के वोल्ट आपको चेक कराने जा रहे हैं कि ये सप्लाई कितने वोल्ट दे रही है। तो हम यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.3 वोल्ट है यानी 12 वोल्ट की किसी भी चीज़ को आप इसके ज़रिए चला सकते हैं। यहाँ पे 13.3 वोल्ट है, 14 वोल्ट भी पूरे नहीं है, 13.5 भी पूरे नहीं। 13 वोल्ट होने से ये फ़ायदा है कि अगर आप इसके ज़रिए पेडिस्टल फैन वगैरह भी चलाते हैं तो उसकी भी स्पीड आपको थोड़ी तेज़ महसूस होगी। इसके अलावा पानी की मोटर वगैरह या फिर आप सीलिंग फैन भी चलाते हैं तो उसमें भी आपको स्पीड थोड़ा सा तेज़ मिलेगी। और यहाँ पर इसे हम इस तरह से बंद करके और यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे और इसे किसी दीवार पे हम होल्ड कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।